अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि एक बॉक्स में हम एक आयु को किस तरह सेट करते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें से हैं ये चीज़ें, जिसमें ये जो है एक पंचिंग टूल इसको कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत होगी। वैसे ये ना भी होना तो इसके बग़ैर भी काम हो सकता है। ये है एक पंचिंग की, इसकी हमें ज़रूरत होगी। ये कटर है, इसकी हमें ज़रूरत होगी। और ये है नोज़ल प्लस। तो आइए, और इसके साथ साथ ये है हमारे साथ आयो, डी लिंक का आयो है, जो कि हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। खोल के इसकी ये शेप है। यहाँ पे दो कलर स्कीम यूज़ हुए हैं, स्कीम ए और स्कीम बी। यहाँ जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है स्कीम बी। जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा है, ऊपर ए और दूसरे नंबर पे बी लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे भी बी लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे ए। लिहाजा सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो है ये स्कीम ए की तरकीब है, और जो बीच में है ना दो, जैसे कि वाइट ब्लू ब्लू, वाइट ग्रीन ग्रीन, और नीचे वाले साइड पे है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ब्राउन और ब्राउन। तो इसी तरतीब से हम केबल्स भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके अंदर ना केबल्स को किस तरह लगाते हैं और किस तरह पंच करते हैं। सबसे पहले पंचिंग टूल में हम आयो को फिक्स करते हैं। इसके बाद केबल्स को दरमियान में ला के, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है केट 6 का, और आप देख रहे हैं कि हम इसको इसी स्कीम की तरकीब के मुताबिक ही सेट करने जा रहे हैं। ये देखें ना, पहले लगाया है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, और इसके बाद वाइट ब्राउन ब्राउन। ये एक सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड पे हम लगाने जा रहे हैं वाइट ब्लू ब्लू और वाइट ग्रीन और ग्रीन। ये लगा दी। अब इसको ना प्रॉपर हम पंच करेंगे इस पंचिंग की से। जी व्यूअर, ये हो गई सारी पंच। अब जो एक्स्ट्रा बाकी निकली हुई केबल्स हैं ना, इसको हम काटेंगे कटर से या नोज़ल प्लस से। इसको निकाल के इसका जो अपना कवर है वो अब हम फिर लगा देंगे। हाँ, ये हम दोबारा वैसे चेक करने जा रहे हैं इसको कि सही तरह पंचिंग हुई है कि नहीं। भी ऊपर कवर लगा दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि बॉक्स में लगाने के लिए आयो बिल्कुल रेडी है। बस सिर्फ इसमें केबल लगानी है आपने, और आपने अपना नेटवर्क एक्सेस करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।